हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू और गोभी वाले चावल, जो कि आज जो ये कि फरमाइश पे बनने लगे हैं। पहले हमने कभी भी नहीं बनाए, आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं कि फिर कैसे बनते हैं। और साथ हम अपनी और अपने माइंड के मुताबिक जो रेसिपी है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए ना, ढूंढने में मुश्किल ना हो आपको। प्याज हमारे तैयार हो चुके हैं और देखो बिल्कुल ब्राउन करने हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, गोल्डन ब्राउन करने हैं। इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर और फिर इसके अंदर हम डालेंगे कुछ भी नहीं यार ये करेंगे और कुछ नहीं, मतलब कि इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे प्यार अपना। और ये देखें हमारे बिल्कुल टमाटर और लहसुन अदरक सब मिक्स हो चुके हैं। इसमें थोड़ी सी हमने मिर्ची मसाले अपने हिसाब से डालें, हर कोई यार अपने हिसाब से डालो, क्योंकि आप कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं, कुछ स्पाइसी नहीं खाते, तो इसलिए हमने अपने हिसाब से डाले, वो हमने आपको शो नहीं करवाए। अभी हमने इसके अंदर डाले हैं आलू, क्यों ना
इधर पीछे जैकम साहब की अपनी चल रही है, क्या कर सकते हैं आप, हम इसे कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यार ये अपनी मर्जी का मालिक है। और आज तो स्पेशलिस्ट की फरमाइश पूरी होने जा रही है। इधर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसमें गोभी, आलू, मिर्ची, मसाले सब अपने डाल लिए हैं। तो यार अब हम इसके अंदर हमने डाल दिए हैं चावल, ठीक है, ये हमने डाले हैं 3 कप चाय वाले जो कप होते हैं वो 3 कप बनाए हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि हम सब लोग बनते हैं खाने वाले ज़्यादा एंड मोदी हैं। हेलो सलाम अलैकुम ठीक ठाक हो रहा है घर में दिस इज द फाइनल लुक। वाओ यार मज़ा आ गया, मज़ा वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा, तो आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए यार, क्योंकि कुकिंग भी बहुत अच्छा एक अच्छी फील्ड है, वैसे भी कुकिंग करनी चाहिए यार। और ये देखें जी, एक एक चावल रहा है, एक एक चावल अलग अलग बना है। तो आज के ब्लॉग का इधर ही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।